सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार से, लातेहार जिले में पुलिस के कारण सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। लातेहार का डीआईपी राजकुमार एसपी विपुल पांडे के सामने लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद के नेतृत्व में जेजेएमपी के उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर मोहन परहिया, पिता रामचरण परहिया, नावाडी चकलवा टोला थाना छिपादोहर ने पुलिस की दबिश एवं लातेहार पुलिस के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समक्ष आत्मसमर्पण किया। बताते चले कि आत्मसमर्पण करने वाला उग्रवादी जिले के आधा दर्जन कांडों में वांछित अभियुक्त मोहन परहिया जो है आज हम लोगों के सामने लातेहार पुलिस प्रशासन के साथ समक्ष आत्मसमर्पण किया है। 20 श्रेणी का उग्रवादी था, इस पर कुल 5 कांड थे, छिपादोहर का रहने वाला है। पुलिस झारखंड सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के तहत इसने लातेहार पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है। किस रैंक का सर ये उग्रवादी था? सर 20 श्रेणी का है, हम लोग के यहाँ कैटेगराइजेशन होता है, तो 20 श्रेणी का। नहीं, कब से है सर दस्ता में? दस्ता में इसके विरुद्ध तो कांड हमको लगता है कि 18-19 से ये था। पुलिस के लिए सर कितनी बड़ी उपलब्धि है सर, और भी उग्रवादी कितना प्रेरित होंगे सर इस तरह के कार्य से? ये तो हमारा काम करने का तरीका है कि पहले हम लोग अपना आत्मसमर्पण, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उससे अट्रैक्ट होकर के उग्रवादी जो जिनको उग्रवादी विचारधारा से जिनका मोहभंग हो चुका है वो इस नीति के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं,